या जो व्यक्ति हमेशा स्टेरॉइड का दवा का सेवन करते हैं, या जो किडनी के पेशेंट हैं, या जिनको थायराइड की समस्या है, तो इस तरह के पेशेंट को निश्चित रूप से कैल्शियम की कमी हो जाती है। यदि बॉडी का हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं होगा तो हमारा बॉडी कैल्शियम को अब्जॉर्ब भी नहीं कर पाता। जब हमारे शरीर में हड्डियां कमजोर होती हैं या कैल्शियम की कमी होती है तो हमारे नाखूनों के ऊपर व्हाइट स्पॉट दिखाई देने लगता है। कैल्शियम की कमी होने पर सबसे पहले हमें एसिडिक दवाओं का सेवन बंद करना चाहिए। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर नवीन कुमार श्रीवास्तव जी से। डॉक्टर नवीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपका और आपके दर्शकों का भी मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर नवीन, आजकल कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी देखने को मिल रही है लोगों में, तो सबसे पहले ये बताइए कि कैल्शियम की पहचान कैसे की जाए कि इस शरीर में कैल्शियम की कमी है। सबसे पहले कैल्शियम के बारे में कुछ जानते हैं। कैल्शियम हमारे शरीर के हड्डियों को मजबूत करता है। इसके अलावा यह हमारे ब्लड के क्लॉटिंग को मेंटेन करता है। कितना ब्लड का क्लॉटिंग होगा यह कैल्शियम ही डिपेंड करता है। इसके अलावा हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम ही भी कैल्शियम करता है। लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हम करते हैं जिसके कारण हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी भी हो जाती है। जैसे यदि कैल्शियम रिच डाइट का सेवन हम लोग नहीं करते हैं तो हमारे शरीर में की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इसके अलावा वैसे व्यक्ति जो हमेशा गैस की दवाओं का सेवन करते हैं, या जो व्यक्ति हमेशा स्टेरॉइड का दवा का सेवन करते हैं, या जो किडनी के पेशेंट हैं, या जिनको थायराइड की समस्या है, तो इस तरह के पेशेंट को निश्चित रूप से कैल्शियम की कमी हो जाती है। यदि बॉडी का हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं होगा तो हमारा बॉडी कैल्शियम को अब्जॉर्ब भी नहीं कर पाता और एसिमिलेशन भी नहीं हो पाता है। जब हमारे शरीर में हड्डियां कमजोर होती हैं या कैल्शियम की कमी होती है तो हमारे नाखूनों के ऊपर व्हाइट स्पॉट दिखाई देने लगता है। चांद के रूप में भी बहुत व्यक्तियों के इसके ऊपर चांद के रूप में रचना आ जाता है हमारे अंगूठों के ऊपर। कैल्शियम की कमी होने से व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता है, थकान बहुत जल्द होने लगता है। इसके अलावा दांतों के अंदर कैविटी बन जाती है, या ब्रश करने पर दांत टुकड़ा टुकड़ा होकर के गिरने लगता है, या नसों के अंदर सुनापन या झुंझुनाहट होने लगता है। इस तरह के लक्षण जब शो होते हैं तो हमको समझना चाहिए कि हमको कैल्शियम की कमी हो गई है, और यही कैल्शियम की कमी का सबसे बड़ा पहचान है। कैल्शियम की कैल्शियम कमी को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए? के कमी को पूरा करने के लिए सबसे पहले डेयरी प्रोडक्ट का सेवन नहीं करना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट के अल्टरनेटिव के रूप में नारियल का दूध या बादाम, 10 बादाम फुला करके उसको मिक्सर में डाल करके 1 गिलास बहुत अच्छा मिल्क बन जाता है, या ओट्स लगभग 50 ग्राम ओट्स 1 गिलास पानी में डाल करके उसको मिक्सर में चला दिया जाए तो हमारा बहुत अच्छा एक मिल्क बन जाता है। या सोयाबीन को हम लोग रात सोयाबीन के बीज को रात में फुला देते हैं और सुबह में उसके यदि मिक्सी में पीस दिया जाए तो बहुत अच्छा क्वालिटी का दूध हमको प्राप्त होता है। या तीसी, तीसी के द्वारा भी हमको कैल्शियम की कमी की पूर्ति होती है। या तिल का दूध भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तिल को रात में फुला देते हैं और सुबह में उसको मिक्सर में पीस करके यदि हम लोग सेवन करें तो कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है। या रागी का सेवन, रागी नाचनी या मड़ुआ, रागी का सेवन प्रतिदिन किया जाए किसी न किसी रूप में, रोटी के रूप में या दलिया के रूप में, तो इससे भी कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है। या ग्रीन जूस, खास करके चुकंदर, शलजम, मूली, कड़ी पत्ता या सहजन की पत्ती, जो भी उपलब्ध हो, 2-3 पत्तियां में से लगभग 100 ग्राम लेकर के और उसका 1 गिलास जूस हम लोग बना करके सीजन के हिसाब से जो भी फ्रूट्स उपलब्ध हो, नारंगी, अंगूर, अच्छा,
गेहूँ या अमरूद या खीरा टमाटर आम जो भी चीज उपलब्ध हो उसको मिक्स करके यदि हम लोग पिए तो इससे हमारे कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है। कैल्शियम की कमी होने पर क्या खाना पीना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं खाना पीना चाहिए? कैल्शियम की कमी होने पर सबसे पहले हमें एसिडिक दवाओं का सेवन बंद करना चाहिए, क्योंकि एसिडिक दवाएं कैल्शियम हमारे बॉडियों से निकालने में सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक्स बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक का सेवन नहीं करना चाहिए। चीनी को पचने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता है, सो वैसे व्यक्ति जिनको कैल्शियम की कमी है या नॉर्मल भी जिनको कैल्शियम की कमी नहीं चाहिए वो चीनी का सेवन नहीं करना चाहिए। अभी भी प्रोसेस फूड का सेवन उनको चाहिए, खासकर जिसमें बेंजोइक एसिड इत्यादि डाल करके उस प्रोडक्ट को बनाया गया है, और कॉन्स्टिपेशन की दवाओं का सेवन करते हैं उन्हें भी निश्चित रूप से कमी हो जाती है कैल्शियम की, तो कॉन्स्टिपेशन की दवाओं का सेवन नहीं करके डाइट के द्वारा उसको मेंटेन करना चाहिए। और बार बार जो गैस की दवाएं खाते हैं उससे भी हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो गैस दवाओं का भी सेवन नहीं करके पेट में बहुत अधिक गैस बन जाता है तो पेट की लपेट भोजन या एसिडिक दवाओं का सेवन बंद करना चाहिए, क्योंकि एसिड के न्यूट्रलाइज होने के लिए हमारा बॉडी कैल्शियम ले और उसको न्यूट्रलाइज करना बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है। सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एसिड की दवाओं जिसका सेवन हम लोग गैस के लिए करते हैं वो भी हमारे कैल्शियम को बॉडी से निकाल देने का काम करता है, या प्रोसेस फूड जिसमें बेंजोइक या फॉस्फोरिक एसिड का सेवन अधिक मात्रा में रहता है उस चीज का भी सेवन हमको नहीं, या कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए किसी भी तरह के दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की दवाएं बॉडी में से कैल्शियम लेकर के बाहर निकल जाती है, तो इस तरह की दवाओं का सेवन हमको नहीं करना चाहिए या इस तरह के एसिडिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। और कैल्शियम रिच फूड जिसमें भरपूर मात्रा में हरी पत्तियों का साग, हरी सब्जियां, फल और सलाद का भरपूर सेवन चाहिए, और मोटे अनाज से अधिक सेवन करना चाहिए, खासकर ज्वार, बाजरा और रागी, इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। और जो भी हम लोग दूध लेते हैं दूध के रूप में हम लोग हेगन मिल्क या प्लांट से जो हम लोग को दूध उत्पन्न होता है जिसकी चर्चा की है उस तरह का दूध किया जाए तो हम कैल्शियम की कमी कभी नहीं होगी। क्या योग आसन प्राणायाम इसमें लाभदायक सिद्ध होता है? जिस पार्ट का हमारा मूवमेंट नहीं हो पाता है या जो पार्ट हिलता डुलता नहीं है उस स्थान पर कैल्शियम बहु मात्रा में पहुंच पाता है, तो जब भी हम लोग फिजिकल एक्टिविटी खासकर आसन में करते हैं हमारे जोड़ों की हड्डियां लचीली होती, और जब हमारे जोड़ों की हड्डियां लचीली होती हैं तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में आसानी से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसके अलावा प्राणायाम में खासकर कपालभाति हमारे बॉडी का एक मैकेनिज्म जिसको हम लोग ओस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोब्लास्ट के नाम से जानते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट का मतलब उनका फॉर्मेशन और ऑस्टियोब्लास्ट का मतलब रिजर्वेशन, तो ये दोनों हमारे बॉडी अच्छे मात्रा से हो तो हमारे बॉडी को अच्छी मात्रा में कैल्शियम मिलता है। आसन प्राणायाम कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में बहुत अच्छा भूमिका निभाता है, इसलिए प्रतिदिन आसन निश्चित रूप से करना चाहिए। कैल्शियम का रिच सोर्स क्या है, मतलब कि सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए? कैल्शियम रिच सोर्स में सबसे अच्छा रहता है ग्रीन लीफ जूस का सेवन किया जाए, और इसके साथ साथ ब्राउन मिल्क या जिसे ड्राई फ्रूट के नाम से भी जानते हैं ड्राई फ्रूट मिल्क के नाम से जानते हैं उसका सेवन प्रतिदिन करना चाहिए, जिसमें लगभग 10 मुनक्का, 2 अंजीर, 2 छुहारा और 15 दाने मूंगफली के हम लोग एक गिलास पानी में रात को डाल देते हैं, और सुबह में उसको मिक्सर में डाल करके और एक गिलास आराम से गुड़ या शहद डाल करके पीते हैं तो पीने में भी लगता है और स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा लाभदायक है। इससे कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती और बॉडी को जितना हमको
कैल्शियम चाहिए पर डे हमारे बॉडी को लगभग 600 से 1200 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो यदि ब्राउन मिल्क खाया जाए और मोटे अनाज की रोटी का सेवन किया जाए, अधिक से अधिक मात्रा में ग्रीन लीफ जूस का सेवन किया जाए, तो हमारे बॉडी में कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है और कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है। छोटे बच्चे अक्सर चौक, स्लेटी मिट्टी वगैरह खाते हैं, तो क्या ये कैल्शियम की वजह से होता है? अगर कैल्शियम की वजह से होता है तो उनकी आदत कैसे छुड़वाई जा सकती है? छोटे बच्चों को और खासकर प्रेग्नेंट महिलाओं को जब बॉडी में के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो स्लेट, चौक या दीवार, सीमेंट इत्यादि का सेवन करने लगता है। बॉडी के अंदर हमारे कैल्शियम की कमी पूर्ति हो जाती है और यह बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा लाभ होता है। इससे बच्चों के स्वास्थ्य में भी वृद्धि होती है और कैल्शियम की कमी भी की भी पूर्ति हो जाती है। और छोटे बच्चों को निश्चित रूप से बादाम को फुला करके दिया जाए तो उनके कैल्शियम की कमी की पूर्ति हो जाती है। और ब्राउन मिल्क का सेवन भी निश्चित रूप से छोटे बच्चों को कराना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी बढ़ जाती है और उससे तरह तरह की समस्या उनको होती है। तो ब्राउन मिल्क बच्चों को कैल्शियम की कमी की भी पूर्ति हो जाती है। और सुबह के समय में उनको या पानी में मिला करके दलिया बना करके निश्चित रूप से देना चाहिए। डॉक्टर नवीन, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका और आपके दर्शकों का भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।